हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में आपको VLDC फैन किस तरह से इंस्टॉल करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, इसी तरह का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज हम ये VLDC हैवेल्स का किस तरह से फिटिंग करना पड़ेगा सारा कुछ बताएंगे आपको। इसमें क्या क्या इक्विपमेंट मिलता है, क्या क्या पार्ट मिलता है। ये फैन है 26 वाट का है ये, और देख सकते हैं आप यहाँ पे 5-स्टार रेटिंग दिया हुआ है। तो गाइस, फैन का रिव्यू बहुत ही अच्छा है, और इसका रिव्यू अगर देखना चाहते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप ये फैन खरीदना चाहते हैं तो वो भी लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फैन को पूरा इंस्टॉल किस तरह से करना पड़ेगा आपको सारा कुछ बताते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, फैन इस तरह का आपको फैन एक अंदर में मिलेगा निकालने के बाद। आप देख सकते हैं फैन का लुक्स बहुत ही सुंदर है। दूसरा फैन में आप देख सकते हैं LED रहता है, LED खराब होने का चांस रहता है, तो इसलिए मैंने LED नहीं लिया। अगर मुझसे अगर रिकमेंड पूछते हैं तो LED वाला फैन मत लीजिएगा, क्योंकि LED बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और हैवेल्स का ये फैन आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे 5-स्टार रेटिंग दिया हुआ है, यहाँ पे जो है 5-स्टार रेटिंग दिया हुआ है। ये फैन बहुत ही अच्छा है। आप चलिए आपको इसको इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या क्या मिला है मुझे, एक ऐसा जो हैंगिंग रॉड इसको साथ में दिया हुआ है, और एक ये चीज़ आपको कैसा फिट करना पड़ेगा, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। और क्या क्या मिला है मुझे, एक ये जो हैंगिंग वाला, चलिए आपको खोल के दिखाते हैं। ये सबसे पहले आपको ऊपर लगाने के लिए, जो आपका रोड या कुछ में लगाने के लिए, और नीचे में जाके ये, और ये चीज़ जो दिया हुआ ना, ये आपका जीवन का सुरक्षा है। मतलब घर में कभी बड़ा एक्सीडेंट नहीं होने के लिए, फैन खोल के गिरने का एक्सीडेंट रहता है, ये चीज़ लगाने से कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो चलिए गाइस और कुछ दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या मिला है। एक रिमोट मिला है, रिमोट कैसे ऑपरेटिंग करना पड़ेगा सारा कुछ इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। और 3 ब्लेड मिला मुझे, आप देख सकते हैं। ये है 1200 mm का, मतलब नॉर्मल फैन जैसे आपका घर में लगा हुआ है वैसे ही है, और इसका स्पीड बहुत ही अच्छा है। तो चलिए गाइस सारा कुछ फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको चाहिए फैन फिटिंग करने के लिए इस तरह से 2-3 मीटर वायर, आपका जितना दूरी पे होगा ऐसा फ्लेक्सिबल वायर ले लीजिए। सबसे पहले मुझे इसको खोल लेना होगा, ऐसे खोलने के साथ साथ यहाँ पर नोट है, इन नोट को थोड़ा लूज कर लीजिएगा। ये चीज़ आपको खोल के रख लीजिएगा, ये चीज़ भी कैसा टाइट करना पड़ता है और ये चीज़ कहाँ से लगाना पड़ेगा आपको सारा कुछ दिखाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे एक बड़ा होल है और एक छोटा होल है। ये छोटा होल से आप घुसा दीजिएगा, घुसा के इस तरह से इसको टांग दीजिएगा, मतलब आपका ये कभी लूज होने के बाद भी ये आपको खींच के रख देगा, गिरने नहीं देगा ये आपका फैन। गिरने के बाद बहुत एक्सीडेंट सुना है आप लोग। तो चलिए और इसको किस तरह से फिट करना पड़ता है, इसको इसका अंदर से घुसा दीजिएगा। यहाँ पे एक लॉक है, ये लॉक को खोल दीजिएगा, देख सकते हैं गाइस ये ऑलरेडी इसमें हो गया। ये जो कटा हुआ है यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं आप, एक कटा जगह इस तरह से आपको यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है गाइस। अब देख सकते हैं आपका अगर यहाँ पे नॉट खुल के भी गिर गया ना, तो ये आपको ये जो धागा दिया हुआ है, ये धागा आपको इसको पकड़ रखेगा, अभी काम में आएगा हम लोग का। ये जो नोट दिया हुआ है, ये नोट का काम, इसको देखिए यहाँ पे एक पिन दिया हुआ है, ये पिन को थोड़ा सा मूवमेंट करके इसको खोल लीजिए। तो गाइस इसको आप धीरे धीरे करके खोल लीजिएगा, ये थोड़ा कभी कभी जाम भी रहता है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो ये लॉक दिया हुआ है, ये लॉक को सही आपको लगाना पड़ेगा, आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस बहुत सुंदर सब फिटिंग दिया हुआ है, ये दूसरा फैन में मैं देखा ही नहीं है। ये जो इसका सिस्टम दिया हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें देखिएगा नोट भी डाउ, ये जो नोट है एक है दिया हुआ है, इसका ऊपर में और एक नोट दिएगा ताकि ये नोट भी ढीला ना हो। ये देखिए डबल नोट, एक वॉशर दिया हुआ है
नीचे में दो वॉशर दिया हुआ, एक वॉशर, एक नोट, फिर और एक नोट ताकि लूज ना हो। फिर इसको ऊपर से ये जो लॉक है, ये लॉक भी इसके अंदर घुस जाएगा। फिर ये जो हैंगिंग है, जो हैंगिंग वायर है, ये हैंगिंग वायर भी आपको इसके साथ दिया हुआ है। तो गाइस आपको इसको यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा, तो चलिए इसको लॉक करके बताते आपको। तो गाइस इसको घुसा के इस तरह इसको टेढ़ा कर देना पड़ेगा ताकि ये कभी खोल के ना आए। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से फिटिंग होगा ये, अब एक बार देख लीजिए। वीडियो देख के अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा। तो गाइस अभी करना पड़ेगा मुझे ब्लेड फिट, ठीक है गाइस। तो चलिए ब्लेड को भी फिट कर लेते। तो गाइस अभी इसको आप किस तरह से फिट कर पाएंगे, इसका क्या सिस्टम है इसका, अब देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक गड्ढा दिया हुआ है, होल एक दिया हुआ है, जो होल से घुसा के अंदर ही अंदर आप इसको ले चलेंगे। तो चलिए एक बार से फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है गाइस। देखा आप ऐसा घुसाने के बाद फिर और एक बार और एक होल से ऐसा करके आप घुसा दीजिए। ये थोड़ा तकलीफ वाला काम है, एक बार घुस जाने से ठीक है। अब इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दीजिए, जितना टाइट कर सकते आप उतना टाइट कर दीजिए। तो गाइस इसका काम रहेगा ये, ठीक है। और इसका साथ लिंक होगा ये जो आएगा इसका साथ इसको लिंक हो जाएगा, ताकि ये अगर खुल के गिर भी जाए ये आपको पकड़ के रखेगा। तो ये है एक्स्ट्रा सेफ्टी, एक नीचे तरफ होके घुसेगा और एक ऊपर तरफ होके घुसेगा। तो गाइस इस तरह से आपको घुसा इसके अंदर घुसा लाना पड़ेगा, और देखिए और एक ऐसा उल्टा करके, मतलब एक डाउन एक अप, आप देख सकते हैं इस तरह से, एक नीचे तरफ इसको कवर होने के लिए और एक ये ऊपर वाला, ठीक है। ये ऊपर का आपका जितना है ये सब ढक के रख देगा, और नीचे वाला भी ये और नीचे आ जाएगा जितना तक आप रख सकते, ठीक है। तो एक्चुअली में ये नीचे वाला घूमता है, ये ऊपर वाला नहीं घूमता, आप जितना तक ढक के रखेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं हम यहाँ से इसका वायर घुसाया हुआ है, तो यहाँ से घुसाने के बाद तो मुझे निकालना पड़ेगा जो ये ऊपर वाला जो एक ये देखिए ये जो नॉट लगा हुआ है, जहाँ से ये नॉट मैंने कनेक्ट किया और उसके ऊपर से एक होल दिया हुआ है। ये होल से निकलने के बाद मुझे ये दो जगह में ये जो वायर है इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से लगा लेते, उसके बाद आपको दिखाते। तो गाइस देख सकते मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये बहुत ही लगाना ईजी है, बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है। इसका जो ऊपर का जो नॉट है इसको थोड़ा लूज करके ये जो वायर है इसको घुसाने के बाद इसको ऊपर वाला टाइट दे दीजिएगा, तो ये सुंदर से फिट हो जाते हैं। तो मेरा यहाँ का काम कंप्लीट, मैंने इसको डाउन कर दिया। देखिए डाउन करने के बाद अगर वायर वायर निकाला रहता है तो इसको आप हाथ से क्लिप करके अंदर घुसा दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो IR ये दो IR है, IR मतलब आपका जो रिमोट कनेक्ट होगा तो यहाँ से ये काम होगा, ठीक है। तो चलिए अभी फैन का ब्लेड लगा के आपको दिखाते हैं। ब्लेड भी लगाना बहुत ईजी है, यहाँ पे देखिए दो दो नोट दिया हुआ है, ये सारा नोट को खुलने के बाद ब्लेड लगाना है, तो चलिए वो भी सिखाते हैं आपको। तो गाइस फैन फिटिंग होने के बाद आपका लुक्स ऐसा है, आप देख सकते हैं ये है फुल फिनिश आपका, अच्छा से टाइट उट कीजिएगा। और सबसे बड़ा बात ये जो लगाना है, ये सब लगाने के लिए आप लोग को पता ही होगा, इसलिए मैंने दिखाया नहीं इस वीडियो में, एकदम ईजी है प्रोसेस। एक बार फिर से दिखाते हैं आपको, ये देखिए इसको किस तरह से लगाना पड़ेगा। ये सिंपल नोट खोल के यहाँ पे जगह दिया हुआ है, और सीधा यहाँ पे जो एंगल है एंगल में घुसा के आपको लगा दिया। चलिए आपको अभी फैन ऊपर में लगा के आपको दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये है मेरा BLDC फैन, ऑलरेडी फिट हो चुका है, फिट करना बहुत ही ईजी है। और मैं अभी इसको चला के आपके दिखाऊंगा, ये जो रिमोट है ये रिमोट कैसा काम कर रहा है इसमें। तो चलिए पहले स्विच को दे देते हैं, स्विच देने के साथ साथ एक बीप साउंड होगा, ये देखिए ये फैन रन हो गया
अभी आपको दिखाना चाहूँगा ये आपका कितना स्पीड में कितना होता है। मैंने ये आपका वन में दे दिया, वन में देखिए इतना स्लो होता है। वन में आपका जैसे कि पकड़ लीजिए 7 से 8 वाट आपका रनिंग रहेगा, और दो में पकड़ लीजिए अगर मैं दो में प्रेस कर दिया, दो में प्रेस करने से आपका 12 से 15 वाट रनिंग रहेगा। अगर मैं तीन में दे दिया तो 15 से 17 वाट का अंदर में रनिंग रहेगा। अगर मैं चार में प्रेस कर दिया, चार का स्पीड देख लीजिए बहुत स्पीड है ये, चार में पकड़ लीजिए 20 से लेकर 22 वाट तक खींचेगा ये। और पाँच में देंगे तो फाइव का स्पीड देखिए बहुत ज़्यादा स्पीड है। अगर फाइव में देंगे तो 28 से 30 वाट का ये कंज्यूम करता है आपका इलेक्ट्रिक वोल्टेज। तो गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसी तरह का वीडियो आपको मिलते जाएंगे। तो अगर ये फैन आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।